हाय दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगे। वैसे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें वायरल होती रहती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन हाल ही में एक कल वीडियो वायरल हुई है काफ़ी। वायरल हो रही है। वायरल होने की वजह यह है कि ये बंदे हैं जो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वहाँ पर उनका जो राशन कार्ड में नाम गलत लिख दिया गया, राशन कार्ड में उनका नाम गलत, दत्ता की जगह कुत्ता लिख दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हुए और उनकी आत्मा को काफ़ी चोट पहुँची, काफ़ी सदमा लगा और वो इस तरह का बिहेव करने लगे कुत्ते की तरह। यानी एक सोचने वाली बात है, उनकी आत्मा को कितनी ठेस पहुँची इस बात से, परेशान हुए, उनको इतनी परेशानी हुई इस बात की कि अचानक एक अधिकारी के आने की उनको खबर हुई और वहाँ पर वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे सिग्नल पर। जब वो अधिकारी आए तो उनके सामने वो कुत्ते की तरह चिल्लाने लगे, कुत्ते की तरह भौंकने लगे, क्योंकि उनके अंदर की जो आत्मा थी काफ़ी उस बात से काफ़ी सोक्ड हो गई थी, काफ़ी उनको सदमा लगा था, काफ़ी दिल पर ले लिया था उन्होंने। और अधिकारी ने भी वक्त के माहौल को समझते हुए, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए उनकी बात मान ली और चुपके से जिस अधिकारी ने ये किया था उसको संभालने के लिए, उसको ठीक करने के लिए उनको आश्वासन दिया और जो माहौल बिगड़ते बिगड़ते सही हो गया, ठीक हो गया, वरना बात आगे बढ़ भी सकती थी। दूसरी बात, अभी मुजफ्फरनगर में 300 साल पुरानी मस्जिद थी वो, जिसको शहीद कर दिया गया, जिसको बुलडोज कर दिया गया। दरअसल वहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण चल रहा था, रोडों का चौड़ीकरण चल रहा था, जिसके हटते उस मस्जिद को बुलडोज कर दिया था, जबकि कहा गया था कि इस मस्जिद को दूसरी जगह रिप्लेस कर लीजिएगा, हम जगह दे देंगे, दूसरी जगह ले जाइएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस मस्जिद को बुलडोज कर दिया और अभी ज़मीन देने की बजाय वहाँ पर काफ़ी विरोध हो रहा है। यानी पहले उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम दूसरी जगह ज़मीन की जगह दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पर काफ़ी अभी जो हालात हैं अभी काफ़ी गंभीर हैं। और देखिए आगे क्या होता है, प्रशासन क्या सजेस्ट करता है या क्या फैसला लेता है। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का दूसरा T20 था, पहला तो बारिश की वजह से हो नहीं पाया था, टॉस भी नहीं हो पाया था, रद्द हो गया था, आज दूसरा था। सूर्य कुमार ने 51 गेंदों में 111 रन बनाए और टीम इंडिया 65 रन से जीत गई। काफ़ी जो सूर्या है, काफ़ी आज उनका T20 का आज दूसरा शतक था उनका, काफ़ी अच्छी फॉर्म में खेल रहे हैं, जैसे कि और प्लेयर्स को भी खेलना चाहिए था। और जैसा कि आपको पता ही है, टीम इंडिया ने अपने सारे सिलेक्टर को फायर कर दिया है और नए सिलेक्टर हमको मिलने वाले हैं। सिर्फ अभी उन्होंने सिलेक्टर को फायर किया ना कि किसी टीम में भी कुछ नया बदलाव नहीं हुआ है। कैप्टनसी की जहाँ तक बात है, T20 की शायद सेपरेट हो, हार्दिक पांड्या को उसको कप्तान बनाया जा सकता है ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन देखते हैं आगे क्या है, बेहतर होगा। अभी टीम हमारी अच्छी फॉर्म में आए और हमें आने वाले साल में वर्ल्ड कप जो होना है, कैसे खेलती है या लेकर आती है नहीं आती है, उम्मीद है लेकर आएगी इस साल, काफ़ी सालों का सूखा ख़त्म करेगी। चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई रिपोर्ट में।